ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां शमशान घाट से नवजात शिशु का शव मिलने से मचा हड़कंप। आगे बात होगी कानपुर की, जहां न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता महिला और मीडिया के पास पहुंचकर अब लगा रही है न्याय की गुहार। साथ ही आगे चर्चा होगी पुणे की, जहां 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हुआ अलर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरमालवा जिला रावतबाड़ी के पास गवली समाज के शमशान घाट से नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर देखने से मिला कि नवजात शिशु का शव अज्ञात के द्वारा एक छोटे गड्ढे पर दफना दिया गया था, जिसे श्वान द्वारा नोचकर वहां से निकाला गया। मौके पर श्वान नवजात शिशु के शव के पास बैठा हुआ था। श्वान के द्वारा नवजात शिशु के शव को नोचा गया, जिसके चलते उसके शरीर पर छोटे छोटे कई निशान दिखाई दिए। रहवासियों की नज़र जब इस पर गई तो सूचना नगर पालिका प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्वच्छ निरीक्षक अधिकारी बसंत दुलगज, पार्षद जगदीश गवली मौके पर पहुंचे, कोतवाली पुलिस को सूचित किया, जहां नवजात शिशु के शव को देखकर किसी एक लड़के के रूप में पहचान हुई है। शव को पुलिस द्वारा बरामद कर पंचनामा बनाया गया। नवजात शिशु के शव को नगर पालिका की JCB की सहायता से गड्ढा खोद कर दफनाया गया। हम यहाँ आए, हमने देखा तो कुत्ता जो है पास में बैठा हुआ था। हमने जो है फिर पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई और यहाँ पे नवजात शिशु को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में हमने देखा तो पास ही में एक जो है, चूँकि ये कच्चा शमशान है तो उसी के पास में तो हमने देखा कि कब्र में बच्चा गड़ा हुआ था, जिसको शायद कुत्तों ने नोच के निकाल लिया गया है। उसके बाद में जो है पुलिस विभाग यहाँ आया है और उसका सबके बीच में जो है पंचनामा बनाया गया है और सभी की सलाह मशवरा करके पंचनामे के अनुसार उसको यहीं पे दूसरी जगह कब्र खोद के गाड़ दिया गया। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता हर्ष अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है। यहां महिला कमरू निशा लगातार पुलिस की चौखट का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय न मिलने पर मीडिया के पास पहुंचकर गुहार लगाई। कानपुर के थाना बाबूपुरवा क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज जीतगंज केडीए कॉलोनी में करीब 17 वर्षों से एक दंत मंजन की दुकान थी। वहां के मालिक साबिर अली खुद केडीए के किराएदार हैं। 21 फरवरी की रात ताला तोड़कर दुकान से सारा सामान गायब कर कब्जा कर लिया। मामले में कानपुर प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता करते हुए पीड़िता कमर निशा ने वकील चांद मोहम्मद बताया कि उनको 3,800 रुपये किराया देते थे, उसके बाद भी जबरन कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत थाना बाबूपुरवा से करी तो मुकदमा नहीं लिखा गया। वहीं आदेश के बाद मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन 1.5 महीने भी जाने के बाद भी पुलिस ने कोई जांच नहीं की। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद ACP बाबूपुरवा को जाँच सौंपी गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिता का आरोप है कि इसमें चौकी का दरोगा राहुल कुमार पस्तौर, जो कि जाँच अधिकारी है, पूरी तरीके से आरोपी से मिला है। कैसे जिए, हमारा वही एक जीने का साधन है। हालात से बेहाल वक्त हम घूम रहे हैं और हमें अगर कोई सहारा नहीं मिल रहा, लिहाजा मेरी मदद की जाए और कहीं कोई रास्ते नहीं मेरी समझ में आ रहा। इसके पूर्व किसी अधिकारियों से भी आप मिले? हाँ, चौकी इंचार्ज से लेके थाना इंचार्ज से लेके DCP ACP सब जगह कुछ साबिर अली कुछ दिनों पहले कुछ सामान हमने मंगाया कि अपने कारोबार और बढ़ाएँ, उनकी नियत इससे ख़राब हो गई और उन्होंने इनको कब्जा दिलाया है। DCP साहब ने कहा, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की और डांट के भगाते रहे। कोई ऐसा दस्तावेज है कि इन्होंने तैयार कर रखा है उनकी तरफ से? ये कमरू निशा हैं, ये बाकरगंज में इनकी शॉप थी, KDA कॉलोनी है कि 51/1 अजीतगंज KDA कॉलोनी, उसी में इनकी शॉप थी। करीब 17 साल से वहाँ एक शॉप करे थी ये, दांत का मंजन वगैरह, दांत के दर्द का तेल वगैरह ये बेचती थी, दांत की सफाई वगैरह भी करती थी। तो अभी इनके जो जिनसे किराया लेते थे, जो उसके मालिक हैं, मालिक भी क्या हैं, वो KDA के खुद किराएदार हैं और किराएदारी पे किराएदारी एक इनसे किराया वसूल 3800 रुपये इनसे वसूलते हैं महीने का, ये देती भी हैं उनको। लेकिन अभी इनकी दुकान का उन्होंने रात में 21 फरवरी की रात में ताला तोड़ के इनका सारा सामान गायब कर दिया, करीब 4-5 लाख रुपए का, और अपने ताले डाल दिए। पुलिस मिली हुई है, पुलिस इनका मुकदमा नहीं लिखा। 1.5 महीने ये भटकती रहीं, जब जॉइंट कमिश्नर हरिश्चंद्र साहब ने कहा सख्ती से थाने वालों को, तब मजबूरी में मुकदमा लिखा गया। लेकिन 1.5 महीना मुकदमा लिखे हो गया, अभी तक पुलिस ने ना तो माल बरामद किया, न मौके पर गई पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया। मुल्जिमान वहीं इनकी दुकान के आगे कुर्सी डाल के डंडे लेके बैठे रहते हैं और इनको ये दुकान में अपनी जा नहीं पा रही हैं। 1.5 महीना मुकदमा लिखे हो गया, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया।
कमिश्नर साहब ने भी ये आदेश किया कि एसीपी बाबू पुरवा स्वयं मौके पर जाएं और वहां पर प्रभावी कार्रवाई कराएं, और जो आईओ है राहुल कुमार पस्तोर इसके आचरण की जांच करें और इसने अभी तक जो भी कार्रवाई की है उसकी समीक्षा करें, अगर लापरवाही हो उसकी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। इस आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये महिला बहुत परेशान है। कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। पुणे जिले के आने वाले चार ही लोकसभा मतदार संघ पुणे, बारामती, शिरूर, मावल की मतगणना 4 जून को हो रही है। इस मतगणना के लिए चुनाव नियंत्रण तैयार है। जानकारी पुणे के जिला अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुहास दिपसे ने दी। आपल्याला कल्पना आहे की 4 तारखेला जी मतमोजणी होणार आहे ती 3 ठिकाणी होणार आहे। बारामती आणि पुणे या मतदारसंघासाठी जी मतमोजणी आहे ती एमसीए गोडाम कोरेगाव पार्क या ठिकाणी होईल। मावळची जी मतमोजणी आहे ती बालेवाडीच्या स्टेडियममध्ये होईल, आणि शिरूरची जी मतमोजणी आहे ती रांजणगाव MIDC मधील एफसीआयच्या गोडाऊनमध्ये होणार आहे। इलेक्शन कमिशनच्या ज्या डायरेक्टिव्ज आहेत त्या डायरेक्टिव्ज प्रमाणे या तिन्ही ठिकाणी मतमोजणीच्या तिथंच आपले ॲक्च्युली EVM पण स्टोअर केलेले आहे, म्हणजे EVM स्टोरेज आणि मतमोजणी हे एकाच प्रिमायसेसमध्ये आहे। मतमोजणीच्या दिवशी साधारणपणे आपल्याकडं 2 प्रकारच्या मतमोजण्या असतात कुठली मत, एक तर पोस्टल बॅलेटची मतमोजणी आणि एक नॉर्मल EVMची, नॉर्मल जे काही मतदान केंद्रावर जे मतदान झालं त्याची मतमोजणी। पुणे से सीनियर संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तृतीय पुण्यतिथि पर आज सिरोन चौराहे पर पुलिस चौकी के पास नगर परिषद के द्वारा शीतल जल के लिए एक वाटर कूलर लगाया गया। जननायक पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के छायाचित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। दूसरी ओर हर वर्ष की तरह कार्यकर्ताओं ने सिरोंज पहुंचकर अपने चहेते नेता स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा की पुण्यतिथि पर रक्तदान भी किया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा ने जिस सिरोंज लटेरी की जनता सेवा भगवान मानकर की, आज उनकी सेवा विधायक के रूप में उमाशंकर शर्मा कर रहे हैं। वहीं विकास में भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। साथ ही उनके मार्गदर्शन में शैलेश अतु भंडारी भी नगर का विकास कर रहे हैं। लटेरी से सीनियर संवाददाता योगेश पंथी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।